हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अदर वीडियो। लो इन पीसी में 2 GB रैम में फ्री फायर खेलने के लिए मेरा पार्ट 3 वीडियो है, जो पार्ट 1 2 नहीं दिखा है। आई बटन में क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो भी तुम वीडियो देख सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद विंडोज अपडेट, अपडेट जाने के बाद देखो यहाँ पर व्यू अपडेट हिस्ट्री, ऊपर अनइंस्टॉल अपडेट। यहाँ पर विंडोज़ का जो 2.2H2 वर्शन है इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद एक रीस्टार्ट कर देंगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट करूँगा। उसके बाद प्रोग्राम फाइल पे जाके देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज का जो फाइल है इसे हम डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को भी अनइंस्टॉल करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करती है। पहले मोर में जाने के बाद देखो यहाँ पर फाइल लोकेशन, तो ये सिर्फ 3 KB का एक फाइल है। तो हमें जो ओरिजिनल फाइल होता है उसको सी ड्राइव में ढूंढना होगा। प्रोग्राम फाइल x86 में होता है। देखो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट फाइल, एक तो मेरा 2 GB रैम है, देखो ये अकेला ही 1.5 GB खा के बैठा है। तो इसे हमें डिलीट करना होगा। तो इसके अंदर जाने, देखो यहाँ से तो डिलीट नहीं होगा इसे। इसके अंदर जाने के बाद सब सारे फाइल हम डिलीट कर देंगे जो नहीं होते। उस फाइल के अंदर जाके उस फाइल की फाइल डिलीट करेंगे। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही फाइल के अंदर जा जाके सारे फाइल डिलीट कर देना है। उसके बाद कॉमन फाइल में जाना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट शेयर, सबको क्लिक करके डिलीट कर दो, जो नहीं होता है उसे सेव कर दो। उसके बाद फिर से हम चले जाएंगे, देखो इसे भी डिलीट कर देना है। आप रिसाइकल ब्रिन को भी खाली कर देना है। तुम लोगों को एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाके यहाँ पर नीचे रजिस्ट्री एडिटर होगा, इसको रन एज एडमिनिस्टर कर देना है। देखो यहाँ पर एच की करंट यूज़र, उसके बाद कंट्रोल पैनल, उसके बाद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर देखो यहाँ पर मेनू शो डेली, इसको डबल क्लिक करो। इसका जो वैल्यू डाटा है इसे हमें 10 करके ओके कर देना है। आप जो करोगे ज़्यादातर लोगों को पता है, पहले विंडोज प्लस आर दबा के रन ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है टेम्प, टेम में सारे जंक्स फाइल डिलीट करना होगा। उसके बाद फिर से परसेंटेज टेम्प परसेंटेज डिलीट करना होगा। फिर से रन ओपन करके प्रीफिश लिखना होगा, सारे जंक्स डिलीट करना होगा। उसके बाद रिसाइकल बिन को भी खाली कर देना होगा। अब जो हमारा जो सी ड्राइव है इसे भी खाली कर दो। फिर से हम विंडोज प्लस आर दबा के लिखेंगे services.msc। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा हमें। तो हम तो प्रिंट का कोई काम नहीं करते, रनिंग है इसे हम कर देंगे डिजेबल, या मैनुअल भी कर सकते हो, स्टॉप करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नीचे देखो नोटिफिकेशन का जो टूल्स है इसे भी हम मैनुअल कर देंगे, रनिंग से स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अप्लाई ओके। तो विंडोज अपडेट को हम टोटली डिजेबल कर देंगे, अप्लाई ओके। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन है एक्सबॉक्स का, इसे भी हम डिजेबल कर देंगे, अप्लाई ओके। अभी सिंपली पीसी को हम रिस्टार्ट कर लेंगे। दिस पीसी ओपन करने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर जाने के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट फाइल है इसे कर देंगे डिलीट। देखो आप इधर से डिलीट हो गया। अब लोकल डिस्क सी को प्रॉपर्टीज करेंगे, डिस्क क्लीन अप, सिस्टम क्लीन अप फाइल। देखो यहाँ पर बहुत सारे जंग आ गया, ओ भाई साहब करीबन 3 GB का जंग से। ये सारे के सारे सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, ये सारे डिलीट कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, हम ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे, हमारा जो ड्राइव होगा सबको हम ऑप्टिमाइज ऑल कर देंगे, और इरोड चेकिंग ऑप्शन को चेक कर देंगे। हो गया हमारा। अब इमुलेटर को इंस्टॉल करेंगे। देखो मैं 7.3.3 को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेमू प्ले 7.3.3। देखो यहाँ पर कस्टम में जाएंगे हम, लोकल डिस्क सी को क्लिक करके प्रोग्राम फाइल कर देंगे। कभी भी डी फाइल में इंस्टॉल मत करना। चलो दिखाते हैं मेरा पीसी। देखो 2 GB रैम है, i3 है 2 कोर। देखो मेनू पॉइंट 7.1 इंस्टॉल हो गया, इसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट करके 5.1 को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे,
सेटिंग पे जाने के बाद देखो मेरा 2GB रैम है, इसलिए मैं 1GB कर दिया। DirectX करेंगे, RGPU मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले में देखो मैंने जैसा दिया है वैसा ही देना है, इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा, FPS भी अच्छा खासा मिलेगा। तुम चाहे तो 90 FPS ऑन कर सकते हो अगर सपोर्ट होगा तो। और डिस्क मैनेजर को 15 से 20 GB तक कर देना है। और तुम्हारा कंट्री जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हो। और मोबाइल को आसूस रॉक रखना। इसे क्रिएट शॉर्टकट करने के बाद रन एज एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए सी तीनों को एक साथ दबाना है। टास्क मैनेजर ओपन होगा, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स जाने के बाद देखो यहाँ पर हमारा जो इमुलेटर है इसे राइट क्लिक करेंगे, देखो सेट प्रॉपर्टी, इसे हम कर देंगे हाई। तो पूरा पीसी का जो ध्यान होगा वो इमुलेटर पे ही होगा। अब जाएंगे हम डेवलपर ऑप्शन पर, नीचे देखो विंडोज का जो एनिमेशन है सबको हम 1x कर देंगे। और नीचे एक ऑप्शन है फोर्स 4x MSAA, इसे हम रेगुलर ओपन करना होगा क्योंकि इमुलेटर ऑफ करने से ये भी ऑफ हो जाता है, तो इसे हम ऑन कर देंगे। तो हमारे पर काम ख़त्म। तो हमारा फ्री फायर लाइट वर्सन पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर तुम्हें फ्री फायर लाइट वर्सन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, देखो मेरा 2GB रैम है। प्ले स्टोर को पहले अनइंस्टॉल कर देते हैं क्योंकि फ्री फायर जो प्ले स्टोर में नहीं मिलता है फ्री फायर लाइट। अरे एक बंदा मुझे बताया था भाई तुम्हारा पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है, मैं आज पीसी खोल के रखा है गेम खेलने के अंदर, मैं दिखाता हूँ मोबाइल खोल के ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है। तो चलो एक गेम खेल के दिखाई देते हैं गेम चलता है कि नहीं। अब दोस्तों ये मेरा Part 3 वीडियो है, इसका भी 2 पार्ट है, वीडियो बहुत ही बड़ा है भाई, इसलिए और 2 पार्ट तुम देख लेना। हाँ देखो सेंसिटिविटी भी अब अच्छा खासा आ रहा है। 2 GB भाई थोड़ा सा तो दिक्कत हो गई क्योंकि 2 GB तो भाई PC चलने के ही लगता है, अगर 2 GB हम गेम खेलते हैं तो भाई 4 GB होगा तो भाई आसानी से बहुत अच्छी तरह तुम गेम प्ले कर सकते हो। देखो 2 GB में गेम चल रहा है, उसका मतलब 4 GB तो भाई मक्खन जैसे गेम चलेगा भाई। तो वो बंदा बाहर निकल गया, मैं भी बाहर चला जाऊंगा। रुको मैं दिखाता हूँ, मेरे पर कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, मैं PC खोल के ही रखा है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखा दे तुम्हें, देखो ये 2 GB का ही रैम है, देख रहे हो 2 GB रैम। वो बंदा किधर है? हाँ वो सच में बाहर निकल गए। चलो मैं भी निकल जाता हूँ। तो मेरे PC खोल के रखा है, दिखाता हूँ, ये रखा, देख सकते हो अंदर कोई ग्राफिक्स कार्ड है नहीं, सिर्फ एक ही रैम है 2 GB का, एक SSD कार्ड है, एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है लैपटॉप का वो भी। अरे वही मैच है, रुको मैं दिखाता हूँ उस बंदे का नाम, देखो उस बंदे का नाम, टाइम भी देख लो। और देखो 2 GB रैम देखा। तो दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज़।